जय माँ काली। मित्रों, आपका मेरे चैनल माँ काली माँ दुर्गा शक्ति संवाद में स्वागत है। मित्रों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कीजिए, जिससे मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। मित्रों, आज का जो विषय है वो विषय ये है कि चलते फिरते हम कौन कौन से मंत्रों का जाप कर सकते हैं। देखिए मित्रों, बहुत जो समय है आज का, बहुत बिजी हो गए हैं सब, सब बहुत ज़्यादा व्यस्त रहते हैं और लोगों के पास समय नहीं है, क्योंकि उनकी दिनचर्या ऐसी हो चुकी है जिसमें वो पूजा के लिए समय नहीं निकाल पाते। बहुत से ऐसे लोग हैं जो वर्किंग हैं और वो पूजा करना चाहते हैं, लेकिन उनका जो शेड्यूल है वो इतना बिजी हो चुका है जिस कारण से वो पूजा नहीं कर सकते। तो ऐसी परिस्थिति में वो चलते फिरते मंत्र जाप कर सकते हैं, जिसके माध्यम से उन्हें ईश्वर की कृपा भी प्राप्त होती है और उनके अंदर ऊर्जा का संचार होता है। लेकिन फिर ये बात आती है कि हमें कौन से मंत्रों का जाप करना चाहिए, कौन से ऐसे मंत्र हैं जिनका हम चलते फिरते जाप कर सकते हैं, और क्या सभी मंत्रों का हम चलते फिरते जाप कर सकते हैं, और चलते फिरते हमें किन किन नियमों का पालन करना चाहिए। देखिए मित्रों, अगर आप एक वर्किंग है व्यक्ति, काम करते हैं, आपके पास समय नहीं है, या आप एक गृहस्थी भी हैं लेकिन फिर भी काम का बर्डन ज़्यादा रहता है, आपको समय नहीं मिल पाता है, तो ऐसी परिस्थिति में आप चलते फिरते भी जाप कर सकते हैं, क्योंकि जाप करने से आपके शरीर को ऊर्जा मिलती है और देवता प्रसन्न होते हैं। जैसे जैसे आप जाप करते जाते हैं, आपका ओरा शुद्ध होता जाता है, आपके अंदर शक्तियों का संचार होता है, जो सकारात्मक ऊर्जा है वो आपके आसपास घूमने लगती है, आपके घर से नकारात्मक ऊर्जा धीरे धीरे करके दूर होने लगती है, आपके घर में लक्ष्मी का वास होता है। तो इसीलिए सभी व्यक्तियों को जितना हो सके, चाहे थोड़ा हो चाहे ज़्यादा, हमारा ध्यान ईश्वर की तरफ अवश्य होना चाहिए। तो उसके लिए जो व्यक्ति गृहस्थी हैं या वर्किंग है, उनके लिए सबसे पहले तो ये ज़रूरी होता है कि वो पूजा के नियम को पकड़ें, यानी कि आप पूजा के नियम को पकड़ें, भले ही आपके पास आसन बिछाने का समय ना हो, उसके लिए आप चलते फिरते एक नियम को पकड़े कि हम चलते फिरते ही जाप करेंगे। अब बात आती है कि जाप किस प्रकार से किया जाता है। देखिए, जाप हम कई तीन प्रकार से मेनली जो करते हैं वो तीन तरीके से करते हैं। एक तो हम वाचिक जाप करते हैं, एक उपांशु जाप करते हैं, और एक करते हैं मानसिक जाप। वाचिक जाप वो होता है जब हम बोल बोल के जाप करते हैं, जैसे हम बोलते हैं तो अन्य व्यक्तियों को भी हमारा जाप सुनाई देता है। अगर हम कोई मंत्र जाप कर रहे हैं तो उस समय पर अन्य व्यक्ति हमारे जो जाप की ध्वनि है उसको सुन सकता है, तो उसको वाचिक जाप कहते हैं। एक होता है उपांशु जाप। जब हम उपांशु जाप करते हैं तो उस परिस्थिति में कोई भी व्यक्ति हमारे जाप की ध्वनि को नहीं सुन सकता, यानी हमारे केवल होठ हिल रहे होते हैं लेकिन कोई ध्वनि बाहर नहीं आती, तो ये होता है उपांशु जाप। और एक होता है मानसिक जाप। मानसिक जाप में आप मन मन में जाप कर रहे होते हैं, जैसे कहते हैं कि जिस प्रकार से सांस हमारे चलते हैं उसी प्रकार से जाप हमारा चलता रहता है, यानी सांसों की माला पर हम उस जाप को करते रहते हैं और ना ही हमारे होठ हिल रहे होते हैं, ना ही ध्वनि आ रही होती है, तो एक मानसिक जाप होता है। अब बात ये आती है कि इन तीनों में सबसे सर्वश्रेष्ठ कौन सा होता है। तो जो सबसे सर्वश्रेष्ठ शास्त्रों में भी कहा गया है, सबसे सर्वश्रेष्ठ है मानसिक जाप, क्योंकि मानसिक जाप के माध्यम से हम अपना पूरा ध्यान ईश्वर के चरणों में केंद्रित कर लेते हैं। हमारा ध्यान केवल एक जगह केंद्रित होता है, वो होता है जाप, क्योंकि जाप करते समय, मानसिक जाप करते समय हम कुछ और सोच नहीं सकते, कुछ विचार नहीं कर सकते। इसके अलावा अगर हम बोलते हुए जाप करते हैं उस समय पर भी हमारे मस्तिष्क में कोई ना कोई बातें चलती रहती हैं, लेकिन अगर हम मानसिक जाप करते हैं, क्योंकि हमारा जो मस्तिष्क होता है उसको हम व्यस्त कर लेते हैं जाप में, तो उस परिस्थिति में हमें कुछ सूझता नहीं है, ना ही हमें कुछ याद आता है, ना ही सांसारिक बातें याद आती हैं, केवल हमारा ध्यान जाप पर केंद्रित हो जाता है। तो ऐसी परिस्थिति में मानसिक जाप सबसे अच्छा जाप माना जाता है। तो कोशिश ये करें कि चलते फिरते आप मानसिक जाप करें, और मानसिक जाप करने से ही आपको मंत्र जाप का कई गुना फल मिलता है। जो सबसे ज़्यादा फल मिलता है वो मानसिक जाप में मिलता है, तो चलते फिरते आपको मानसिक जाप करना चाहिए। अब बात आती है कि किन नियमों का हमें पालन करना चाहिए। देखिए, जब भी हम चलते फिरते कोई भी जाप करते हैं उस समय पर हमें कोई भी नियम का पालन नहीं करना होता, क्योंकि उस समय पर हम किसी भी परिस्थिति में हो सकते हैं, हम स्नान वाली भी परिस्थिति में हो सकते हैं, हमने स्नान ना किया हो, ये भी एक परिस्थिति हो सकती है, हम घर के बाहर भी हो सकते हैं, घर के अंदर भी हो सकते हैं, पूजा घर में भी हो सकते हैं, अपने बेडरूम में भी हो सकते हैं, किचन में भी हो सकते हैं, तो हम कहीं पर भी हो सकते हैं, हम सड़क पर भी हो सकते हैं, हम ट्रेन में भी हो सकते हैं, हम बस में भी हो सकते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में ना तो
स्थान का कोई महत्व होता है, ना ही आपकी परिस्थिति का कोई महत्व होता है। आप बिल्कुल जैसी परिस्थिति में हो उसी परिस्थिति में आप जाप प्रारंभ कर सकते हैं। सबसे पहले आपको गणेश जी का ध्यान करें, आप अपने गुरु का ध्यान करें, अपने इष्ट देव का ध्यान करें, उसके बाद आप मंत्र का जाप प्रारंभ कर सकते हैं। और इसके लिए कोई निश्चित संख्या नहीं होती, ना ही इसको गिना जाता है। तो बिना गिने बिना किसी निश्चित संख्या के आप इसका जाप कर सकते हैं, जब तक आप चाहें तब तक जाप कर सकते हैं, कोई समय सीमा का बंधन नहीं होता है। तो आप इस प्रकार से ये जाप कर सकते हैं। अब बात ये आती है कि हम किन मंत्रों का जाप करें, यानी कौन से ऐसे मंत्र हैं जिनका जाप हम मानसिक रूप से कर सकते हैं, क्योंकि सभी मंत्रों का जाप मानसिक रूप से नहीं किया जाता है। तो मित्रों आप वीडियो को पूरा सुनिएगा, क्योंकि आगे अब हम बताएंगे कि कौन से मंत्रों का मानसिक जाप नहीं किया जाता। पहले बताते हैं कि कौन से मंत्रों का आप जाप कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले जो मंत्र आता है वो आता है पंचाक्षरी मंत्र। जो पंचाक्षरी मंत्र होते हैं या षडाक्षरी मंत्र होते हैं उनका आप जाप कर सकते हैं मानसिक रूप से। सबसे पहले तो आप ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप कर सकते हैं मानसिक रूप से चलते फिरते, उसके लिए आपको किसी भी नियम की आवश्यकता नहीं होती। दूसरा मंत्र आता है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र का जाप भी आप चलते फिरते आराम से कर सकते हैं। विष्णु जी का मंत्र है, ठाकुर जी का मंत्र है, तो जो लोग ठाकुर जी की सेवा करते हैं, अपने घर में भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, वो आराम से इस मंत्र का जाप कर सकते हैं, उन्हें पूर्ण कृपा उनकी मिलती है। और जो लोग माँ दुर्गा की पूजा करते हैं तो माँ की दुर्गा की पूजा करते समय आप ओम दुर्गाय नमः का जाप कर सकते हैं, चलते फिरते जाप कर सकते हैं। ये जाप करने से भी आपको कोई परेशानी नहीं होगी। अगला मंत्र है सीताराम का, यानी सीताराम सीताराम सीताराम, इस प्रकार से आप चलते फिरते जाप कर सकते हैं। इससे आपको हनुमान जी की कृपा भी प्राप्त होती है और सीताराम जी की कृपा भी प्राप्त होती है। और कहते हैं जिनके काम बिगड़े हैं उनको लगातार सीताराम का जाप करना चाहिए, क्योंकि जब वो सीताराम का जाप करते हैं तो बालाजी महाराज को, भगवान बजरंग बाबा को उनके काम बनाने ही पड़ते हैं। तो चलते फिरते आप सीताराम का जाप भी कर सकते हैं। एक आप अपने गुरु मंत्र का चलते फिरते जाप कर सकते हैं, उसमें आपको कोई नियम भी फॉलो नहीं करना है। आप किसी भी प्रकार से अपने गुरु मंत्र का, यानी गुरु द्वारा प्रदत्त जो मंत्र होता है वही गुरु मंत्र होता है, तो उसका जाप भी आप चलते फिरते आराम से कर सकते हैं। एक जो मंत्र है अपने आप में सबसे बड़ा जो मंत्र होता है वो है राम नाम। राम नाम का जो मंत्र है वो सबसे बड़ा मंत्र है। इस संसार में सब कुछ जो है वो राम नाम पर ही आधारित है, तो इसलिए आप चलते फिरते राम 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 इस प्रकार से भी जाप कर सकते हैं। एक मंत्र आता है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, चलते चलते आप हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, इस मंत्र का भी जाप करते हैं। ये महामंत्र है जिसमें राम जी भी आपसे प्रसन्न होते हैं और भगवान कृष्ण भी आपसे प्रसन्न होते हैं। और जब ये दो देवता आपसे प्रसन्न होते हैं तो बहुत सारी शक्तियाँ आपसे प्रसन्न होती हैं, क्योंकि जो इनसे संबंधित शक्तियाँ हैं वो स्वतः ही आपसे प्रसन्न हो जाती हैं। तो ये मंत्र हैं जिनका आप चलते फिरते आराम से जाप कर सकते हैं। अब ये बात आती है ऐसे कौन से मंत्र हैं जिनका हमें चलते फिरते जाप नहीं करना चाहिए और जिनके लिए हमें सभी नियमों का पालन करना होता है। देखिए मित्रों, अगर हम बीज मंत्रों की बात करें तो बीज मंत्रों का चलते फिरते जाप नहीं करना चाहिए, क्योंकि बीज मंत्रों के जाप के लिए नियम होते हैं और आसन लगाना होता है, माला लेनी होती है और संकल्प भी कुछ लोग करते हैं, संकल्प के माध्यम से या बिना संकल्प के माध्यम से। लेकिन फिर भी बीज मंत्रों के जाप के लिए हमें आसन पर बैठना पड़ता है, शुद्ध परिस्थिति हमारी होनी चाहिए। ये तो बीज मंत्र की बात हुई। दूसरे जो मंत्र हैं, एक आते हैं शाबर मंत्र। शाबर मंत्र भी हम चलते फिरते नहीं जाप कर सकते, उसके लिए भी हमें सभी नियम कर्म करने होते हैं। तीसरा आता है निर्वाण मंत्र। निर्वाण मंत्र का जाप भी हम चलते फिरते नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत ऊर्जा होती है निर्वाण मंत्र में और सभी देवियों का इसमें वास होता है। तो ऐसी परिस्थिति में हमें निर्वाण मंत्र का जाप भी चलते फिरते नहीं करना चाहिए, क्योंकि माँ काली का मंत्र भी इसमें आता है। और चौथे होते हैं तांत्रिकी मंत्र। जो लोग तंत्र का कार्य करते हैं और जो तंत्र में प्रयोग होते हैं उस तरह के मंत्रों को भी चलते फिरते जाप नहीं करना होता है, क्योंकि बहुत सख्त नियम होते हैं उनके। उन्हें करने के लिए हमें बहुत सारी चीज़ों की आवश्यकता होती है। हमारी परिस्थिति इस प्रकार से होनी चाहिए कि हम उनके मंत्रों का जाप कर सकें। तो मित्रों, ये कुछ ऐसे मंत्र होते हैं जिनका हम चलते फिरते जाप नहीं कर सकते। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी आप मंत्र जाप करें, इन्हीं मंत्रों का जाप करें चलते फिरते, तभी आपको पूर्ण फल प्राप्त होगा। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें।
ये थी जानकारी आप सभी के लिए। माँ भगवती से प्रार्थना करती हूँ कि वो आपके भंडारे भरती रहे, आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करती रहे। आपसे फिर मिलती हूँ अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय महाकाली, जय महाकाल।